Hello everyone, welcome to Unacademy Neet. I hope that you all can see me. Good morning guys. A very good morning to all. Yes. Hi everyone, so welcome to this session Super 10 series in which we are going to discuss today oxyhemoglobin dissociation curve. ये जो टॉपिक है ये किस चैप्टर का टॉपिक है बेटा ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस. इस टॉपिक में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी कंडीशंस होती हैं जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है यानी कि एसोसिएट होता है, कौन सी ऐसी कंडीशंस हैं जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से अलग होता है. बिकॉज हीमोग्लोबिन इज अ काइंड ऑफ व्हीकल जो इस ऑक्सीजन को कैरी करके अलग अलग टिश्यूज में लेके जाता है. तो हमने इस व्हीकल के बारे में बात करनी है. देखिए ऑक्सीजन आया कहाँ से, ऑक्सीजन आया एटमॉस्फेयर से और उसको कौन लेके आई, हमारी लंग्स लेके आई. सो दिस इज द एंट्री पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, एंट्री पॉइंट ऑफ ऑक्सीजन. अल्टीमेटली इस ऑक्सीजन को कहां तक भेजना है, अल्टीमेटली हमने इस ऑक्सीजन को भेजना है टिश्यूज के पास, है ना. टिश्यूज को ही कमी चल रही है ऑक्सीजन की, तो अल्टीमेटली मुझे ऑक्सीजन यहां तक भेजना है. कौन लेके आएगा, लेकर आएगी हमारी ब्लड वेसल्स. क्योंकि इन्हीं ब्लड वेसल्स के अंदर क्या घूम रहा है, यही ट्रांसफरिंग एजेंसी, यही व्हीकल दैट इज हीमोग्लोबिन. तो जब बेटा यहाँ पर ऑक्सीजन आएगा इस जगह पर, ये कौन सी जगह है, ये आपके लंग्स है. ठीक है, इस ऑक्सीजन को यहाँ तक लेके आना है, टिश्यूज तक लेके आना है. तो लंग्स के पास तो ये हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा. जब तक ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन की बस में नहीं बैठेगा तब तक वो यहाँ पे ट्रैवल नहीं होगा. दैट मींस लंग्स के पास ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन क्या कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, है ना. ये बात मानते हो कि नहीं मानते कि लंग्स के पास ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन आपस में जुड़ रहे हैं ताकि वो एक कॉम्प्लेक्स बन जाए और उस ऑक्सीहीमोग्लोबिन वाले कॉम्प्लेक्स की हेल्प से वो ट्रांसफर होके कहां तक पहुंच जाए, टिश्यूज तक पहुंच जाए. ठीक है, तो लंग्स के पास वो एसोसिएट क्यों करे ये भी आप यहाँ पे जान लो. क्योंकि लंग्स के पास ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है, बहुत ज्यादा है, बहुत सारी ऑक्सीजन आ रही है, फटाफट से हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाएगी. ठीक है, तभी एसोसिएट कर रहे हैं. लंग्स के पास CO2 का अमाउंट इस वक्त क्या है, कम है. ये आप जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन ज्यादा होगा तो CO2 क्या होगा, कम होगा. अब आते हैं बेटा इस कॉम्प्लेक्स को लेकर टिश्यूज के पास. जब ये कॉम्प्लेक्स दैट मीन्स ऑक्सीहीमोग्लोबिन HbO2 टिश्यूज के पास पहुंचा तो आपको इस ऑक्सीजन को उठाकर टिश्यूज को देना है. मतलब आपस में इन दोनों को क्या करना है, अलग थलग करना है. दैट इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन. ठीक है, तो डिसोसिएशन हमेशा किसके पास होती है, टिश्यूज के पास होती है. क्योंकि जब तक आप अलग नहीं करोगे तब तक टिश्यूज को कैसे दे दोगे. और यहाँ कंडीशंस कैसी है टिश्यू में, टिश्यू में बेटा पार्शियल प्रेशर CO2 का बड़ा ज्यादा होता है क्योंकि रेस्पिरेशन करके बैठे हैं तभी तो इनको ऑक्सीजन की जरूरत है. अगर CO2 ज्यादा है तो ऑक्सीजन का क्या चल रहा है, पार्शियल प्रेशर कम चल रहा है. तो यहाँ से मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एसोसिएशन की साइट लंग्स क्यों है एंड डिसोसिएशन की साइट टिश्यू क्यों है. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. अब हम एक टेबुलर फॉर्म में करेंगे कि एसोसिएशन कि क्या क्या कंडीशंस है, डिसोसिएशन की क्या क्या कंडीशंस है. मूविंग अहेड, ग्राफ बनाने से पहले आपको बेस पता होना चाहिए, सीधा ग्राफ पे नहीं आ जाएंगे. सो स्टार्टिंग विद एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन. कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो उल्टे समझ आते हैं, हम उल्टा स्टार्ट कर रहे हैं, हम ग्राफ से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं. हम पहले ये समझ लेंगे फिर ग्राफ तो हमारे एक मिनट का काम है. ठीक है, एसोसिएशन कहां पर हुई बताइए, एसोसिएशन कहां होगी, जहां पर ऑक्सीजन बहुत ज्यादा है, लंग्स में. ठीक है, एसोसिएशन इज गोइंग टू हैपन इन लंग्स, डिसोसिएशन इज गोइंग टू हैपन इन टिश्यूज. एसोसिएशन के टाइम पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या था, ज्यादा. ऑक्सीजन ज्यादा होता है तो CO2 क्या होता है, कम. आपस में उल्टे चलते हैं. और जैसा CO2 होता है वैसे ही सारी अदर कंडीशंस होती हैं. जैसा CO2 बेटा वैसी ही क्या होती है, अमाउंट ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन. H प्लस आयन भी क्या हो गई, कम हो गई. टेम्परेचर भी बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. 2-3 BPG बिस्फोस्फोग्लिसरेट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. दे ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2. ठीक है बेटा, ये बात समझ आई, दैट दे ऑल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CO2. हाँ जी, एसोसिएशन का क्लियर, दिस इज एसोसिएशन. ये सारी क्या है आपकी, एसोसिएशन. एसोसिएशन लंग्स के पास, बाकी रिवर्स कंडीशन डिसोसिएशन टिश्यूज के पास. टिश्यूज के पास CO2 बहुत ज्यादा था. ठीक है, दैट मींस ऑक्सीजन कम है, राइट. अब जितना CO2 होता है वैसा ही क्या होता है, H पॉजिटिव H पॉजिटिव
पॉजिटिव भी ज्यादा हो गया, टेम्परेचर भी ज्यादा हो गया, ठीक है, एंड 2-3 बिस्फॉस्फोग्लिसरेट भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये आपको याद रखना पड़ेगा कि जैसा ही हमारे ब्लड में अमाउंट ऑफ CO2 होता है वैसी ही सारी चीजें होती है। अब अगर बेटा एच पॉजिटिव ज्यादा है तो पीएच क्या होती है, अगर एच पॉजिटिव बहुत ज्यादा है तो पीएच मतलब यहाँ पर क्या है, यस, एच पॉजिटिव कम है तो पीएच क्या है, ज्यादा। एच पॉजिटिव ज्यादा है तो पीएच क्या होती है, कम। तो ये रिलेशन हमें केमिस्ट्री ने बताया हुआ है कि अगर एच पॉजिटिव बहुत ज्यादा होगा तो पीएच बहुत कम होगी, 1-2 के करीब, अगर एच पॉजिटिव कम होगा तो पीएच ज्यादा भी हो सकती है। सो ये कंडीशंस है बेटा एसोसिएशन और डिसोसिएशन की। अब हम ड्रॉ करते हैं ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, जिसका जो ग्राफ बनेगा दैट इज गोइंग टू बी बिटवीन परसेंट सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। सो इस एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इस एक्सिस पे हम ले रहे हैं परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ जुड़ चुका है, कितनी क्षमता है हीमोग्लोबिन के पास। अगर क्षमता की बात करें तो बेटा एक हीमोग्लोबिन के साथ 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, कितने ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, 4 ऑक्सीजन जुड़ सकते हैं, तो वही परसेंटेज हम वहां पर लिखने वाले हैं। सो द ग्राफ ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज गोइंग टू बी एस शेप्ड। कैसा ग्राफ है बेटा, एस शेप, जिसको आप क्या बोलते हो, सिग्मोइड ग्राफ है। कैसा है, सिग्मोइड, सिग्मोइड इज एस शेप्ड, ठीक है। ये जो टिप है, द टिप इज द वन जिस पे 100% सैचुरेशन आ रहा है। 100% सैचुरेशन का मतलब है अगर हीमोग्लोबिन के पास 4 जगह है तो चारों की चारों जगह पे कौन बैठा है, ऑक्सीजन बैठा है, 100% सैचुरेशन। फिर आप मिड में आ जाएंगे, यहाँ पर इस जगह पर, दिस इज द प्लेस वेयर देयर इज 50% सैचुरेशन। 50% सैचुरेशन का मतलब है कि अगर हीमोग्लोबिन के पास 4 जगह है तो सिर्फ कितने जगह पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, 2 जगह पर, बाकी की 2 जगह क्या है, खाली है। अगर आएगा 25% सैचुरेशन है, 25% मतलब एक ही ऑक्सीजन बैठा है, 3 जगह क्या चल रही है, खाली चल रही है। सो ये हमारा ग्राफ है, आपको शेप पता होनी चाहिए ग्राफ की, दैट इज गोइंग टू बी सिग्मोइड शेप। अब बेटा ये ग्राफ मूव कर सकता है राइट को, ये ग्राफ मूव कर सकता है लेफ्ट को, देखते हैं कैसे। जिस टाइम पर 50% सैचुरेशन होती है वो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहलाता है P50। मतलब जिस टाइम पर एक हीमोग्लोबिन के 2 ऑक्सीजन, एक हीमोग्लोबिन पर 2 ऑक्सीजन आ चुके हैं, 2 जगह खाली बची है, उस पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, P50, एंड दैट इज समवेयर बिटवीन 27-30 mm ऑफ Hg। तो मैं यहाँ पर 27 लिख रही हूँ, 30 भी हो सकता है, ठीक है, 27-30 mm ऑफ Hg। अब ये जो P50 है ना, दैट इज, बस अब मैं एक रूल बताने वाली हूँ, उस रूल पे तुम्हारा सारा सवाल क्लियर हो जाएगा। दैट P50 बेटा is inversely proportional to the affinity किसकी, ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ने की, वो affinity। So P50 बेटा is inversely proportional to affinity। मतलब जब ऑक्सीजन इससे जुड़ना चाहेगा, associate होना चाहेगा, affinity ज्यादा, तब P50 की value क्या हो जाएगी, कम। अगर P50 की वैल्यू बेटा कम हुई तो ग्राफ कहाँ मूव करेगा, P50 की वैल्यू कम होने का मतलब है यहाँ आ जाना, yes, pay attention, P50 की वैल्यू कम होने का मतलब है यहाँ आ जाना, यहाँ आने का मतलब है अगर आप एक्सटेंड करोगे तो ग्राफ इज बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स द लेफ्ट साइड, है ना। P50 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है यहाँ आ जाना, अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो ग्राफ इज बेसिकली मूविंग टूवर्ड्स द राइट साइड, ये चीज समझो। P50 कम मतलब 27 से भी कम आ रहा है, इधर आ गए हैं, तो ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, ये तुम्हारी लेफ्ट ही है ना। P50 की वैल्यू ज्यादा होने का मतलब है ग्राफ इधर शिफ्ट हो रहा है, दैट मींस यू आर मूविंग टुवर्ड्स द राइट साइड। तो मैं यहाँ पर बना लेती हूँ लेफ्ट साइड वाला भी, ठीक है, इस तरीके से। P50 की वैल्यू क्या हो गई बेटा, यहाँ पर कम हो गई है ना, ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। है ना, ये वाली वैल्यू आ गई है, लेफ्ट साइड पे ग्राफ मूव कर रहा है। तो अब बेटा यहां पर ध्यान दीजिए कि सिंस P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, दैट मींस अगर P50 लेस हुआ
P50 लेस हुआ तो एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। तो एफिनिटी हेमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के लिए क्या होगी, ज्यादा होगी। ये मानते हो कि नहीं मानते? अगर P50 लेस है तो एफिनिटी ज्यादा है, एफिनिटी ज्यादा है तो बेटा हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जुड़ने की क्षमता क्या है, ज्यादा है। मतलब इस जगह पर क्या हो रहा है, एसोसिएशन। एसोसिएशन की कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि एसोसिएशन कहाँ पर होती है, आपके लंग्स में होती है। लंग्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ज्यादा। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होता है, कम। कम होने का मतलब है H पॉजिटिव भी क्या होगा, कम। टेम्परेचर भी क्या होगा, कम। एंड बेटा 2,3-BPG भी क्या होगा, कम। सिंपल, आपने एक फॉर्मूला याद किया कि P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, आपका सारा आंसर आ गया। और अगर P50 कम हो रहा है, ग्राफ कहां मूव कर रहा है, ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट, है ना, ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट। सो ग्राफ मूव कर गया लेफ्ट पे। यस गाइस, समझ आया? ग्राफ मतलब जब मूव कर रहा है लेफ्ट पे तो क्या हो रही है, एसोसिएशन वाली कंडीशन। अगर बेटा ग्राफ मूव करेगा राइट पे, राइट पे मूव करने का मतलब है P50 बढ़ गया, है ना। हमने ग्राफ में ही देखा P50 क्या हो गया, बढ़ गया। P50 बढ़ा तो एफिनिटी कम, एफिनिटी कम तो अब बेटा ये क्या करेगा, डिसोसिएट करेंगे आपस में। डिसोसिएट करने का मतलब है डिसोसिएशन कहां पर होती है, टिश्यूज में होती है। सो दिस कंडीशन इज गोइंग टू हैपन इन टिश्यूज, और टिश्यूज में बेटा पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन तो कम होता है तभी तो डिसोसिएट कर रहा है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 होता है ज्यादा। ज्यादा मतलब H पॉजिटिव भी ज्यादा, टेम्परेचर भी ज्यादा, और 2,3-BPG भी क्या होता है, ज्यादा। इज दिस क्लियर? बताइए, हाँ जी बताइए, इज दिस क्लियर? बात समझ आई कि नहीं आई? आई होप बेटा द ग्राफ इज एक्चुअली क्लियर टू एवरीवन। सबको क्लैरिटी आ चुकी है इसकी, ठीक है, सब बच्चों को इसकी क्लैरिटी आ चुकी है कि कैसे ग्राफ लेफ्ट की तरफ मूव करता है, कैसे ग्राफ राइट की तरफ मूव करता है। तो यहाँ पे अगर आपको कभी भी ऐसा ग्राफ दिया हो कि दिस इज द नॉर्मल ग्राफ एंड हियर द ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स लेफ्ट एंड हियर द ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, समझ रहे हो, लेफ्ट और राइट। लेफ्ट पे मूव करने का मतलब क्या हुआ, ये देखिए ग्राफ लेफ्ट पे मूव कर रहा है, दैट मीन्स इस जगह पर क्या हो रही है, एसोसिएशन, ठीक है। एसोसिएशन के लिए सारी कंडीशंस रिस्पॉन्सिबल है। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इन किस, इनमें से किस कंडीशन पे ग्राफ विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट। तो आपको पता होना चाहिए लेफ्ट मूव कर रहा है मतलब P50 कम हो रहा है, P50 कम होने का मतलब एफिनिटी ज्यादा हो रही है, एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब है एसोसिएशन हो रही है। यस yes? अगर आपको दिया हुआ ग्राफ इज मूविंग टुवर्ड्स राइट तो आप यहाँ से देख लोगे कि यार नॉर्मल P50 से ये वाला P50 बढ़ गया, ठीक है। P50 बढ़ने का मतलब है एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई। एफिनिटी कम हुई, एफिनिटी कम होने की वजह से बेटा आपका क्या होगा, डिसोसिएशन, एंड दीज आर ऑल द कंडीशंस व्हिच आर गोइंग टू वर्क इन द डिसोसिएशन। इससे बाहर इसमें से कोई क्वेश्चन नहीं आता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व में। एक और सवाल बन सकता है कि जो आपका फीटल हीमोग्लोबिन है HbF है, एक आपका एडल्ट हीमोग्लोबिन होता है HbA, एक होता है फीटल हीमोग्लोबिन HbF। HbF की जो एफिनिटी होती है वो हमेशा क्या होती है, ज्यादा होती है। एफिनिटी ज्यादा होने का मतलब वो उसका ग्राफ लेफ्ट साइड पे बनेगा या राइट साइड पे बनेगा, ये अब आप गेस कर सकते हैं। मैंने आपको बेसिक बता दिया, एफिनिटी ऑफ HbF इज मोर देन द एफिनिटी ऑफ HbA, दैट मींस एफिनिटी ज्यादा, P50 कम, ठीक है। P50 कम होने का मतलब है ये आपका नॉर्मल P50 था, एफिनिटी ज्यादा, P50 कम, दैट मींस ग्राफ किस साइड पे मूव करेगा, लेफ्ट साइड पे मूव करेगा। तो HbF का जो ग्राफ है वो इधर बनेगा या इधर बनेगा? तो अगर बेटा ये HbA है, इफ दिस इज HbA देन दिस इज गोइंग टू बी HbF, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज्यादा है तो P50 वैल्यू क्या होगी, इसकी कम होगी। सो इट्स ग्राफ इज गोइंग टू बी ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द HbA ग्राफ। ये बात समझ आई? यस बेटा बताइए, इज दिस क्लियर? हाँ जी, ओके।
सो ये थी आपकी HbF की, अगर आ जाए मायोग्लोबिन की, ये तो बेटा आपने सारी बात कर दी हीमोग्लोबिन की मैम, थोड़ा सा मायोग्लोबिन के बारे में भी बता दो। मायोग्लोबिन एक पिगमेंट है जो आपके मसल्स में प्रेजेंट होता है। मायोग्लोबिन की बात करें तो उसके पास चार स्थान नहीं होते हैं कि ऑक्सीजन, चार ऑक्सीजन को बिठा पाए। वो सिर्फ कितने ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, एक ही ऑक्सीजन से जुड़ सकता है। तो अगर मायोग्लोबिन का ग्राफ बनाएंगे, जहां पर हीमोग्लोबिन का ग्राफ इस तरीके का होता है, वहां पर मायोग्लोबिन का ग्राफ बेटा ऐसे होता है, हाइपरबोला। हीमोग्लोबिन का ग्राफ तो क्या है, सिग्मोइड। जो मायोग्लोबिन है, सिंस मायोग्लोबिन के पास एक ही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आकर जुड़ सकता है, ये पिगमेंट मसल्स में प्रेजेंट है, तो इसका ग्राफ हाइपरबोला होता है, सिग्मोइड नहीं होता है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि HbF का ग्राफ कैसे बनेगा, मायोग्लोबिन का ग्राफ बेटा कैसे बनेगा। यस, हाँ जी। तो अगर आपसे कोई भी सवाल पूछा जाए कि एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है, तो सिंपल सा फंडा आपको क्या लगाना है, आपको यूज करना है ये फॉर्मूला, दैट P50 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी। अगर P50 बेटा क्या हुआ, ज्यादा हुआ, P50 अगर क्या हुआ, ज्यादा हुआ, दैट मींस एफिनिटी कम हो जाएगी। एफिनिटी कम होने का मतलब है चीजें क्या होंगी, डिसोसिएट होंगी। सो ग्राफ के इस साइड पे, ग्राफ के इस साइड पे जहां पर P50 ज्यादा है, इस साइड पर क्या होती है, डिसोसिएशन होती है, एंड इस साइड पर क्या होती है बेटा, एसोसिएशन होती है ना। और यही जो डिसोसिएशन है, यही बेटा जो डिसोसिएशन है, इसको आप क्या बोलते हो, बोहर्स इफेक्ट बोलते हो। सो दिस इज बेसिकली ऑक्सीहीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। आई होप दैट दिस थिंग वुड बी क्लियर टू यू। अगर बेटा आप अनअकैडमी के साथ, मेरे साथ पर्सनलाइज्ड वे में पढ़ना चाहते हैं, इंटरैक्टिव वे में मेरे से बात करना चाहते हैं, बात करते हुए डाउट पूछना चाहते हैं और रोज डाउट पूछना चाहते हैं, देन द वे फॉर यू इज गोइंग टू बी द प्लस सब्सक्रिप्शन। मेरे प्लस में बेटा तीन बैचेस चल रहे हैं, संजीवनी बैच फॉर 2021, 2022 एज वेल एज विजय भव बैच फॉर 2023। 11th के दो बैच चल रहे हैं, 12th का एक बैच चल रहा है। तो जब भी बेटा सब्सक्रिप्शन लोगे तो एनरोल कर लेना। एनरोल करने के लिए कोड यूज करना सीट लाइफ। क्या फायदा होगा बेटा सीट लाइफ से, एक तो बेटा 10% ऑफ होता ही होता है, ठीक है, वो तो होता ही है। साथ ही बेटा क्या फायदा होगा, यू आर गोइंग टू गेट DPV फ्रॉम मी फ्रॉम ऑफ एवरी चैप्टर। आपको मेरे से बेटा PDF मिलेगी हर चैप्टर की। आप सीधे सीधे डाउट क्लियरेंस में आ जाएंगे, रोज आपके डाउट क्लियर होंगे, एवरी डे बेटा डाउट क्लियर होंगे, ताकि आपका कोई भी बैकलॉग ना बच पाए और आपको मैम की मिल जाएगी पर्सनल मेंटोरशिप। इसके अलावा और भी बैचेस हैं, आप सीप्लाई कोड यूज करके किसी से भी पढ़ाई कर सकते हैं, जैसे नीट फॉर बिगनर्स बैच है, दिशा बैच है, एक्सक्लूसिव सुपर नर्चर बैच है, इन्फ्यूज बैच है। तो इसी तरीके से बेटा अगर आपका मन हो थोड़े और बेहतर तरीके से पढ़ाई करने का, देन दिस इज अ सब्सक्रिप्शन फॉर यू प्लस एंड आइकॉनिक। अब आइकॉनिक में क्या एक्स्ट्रा मिलता है, एक पर्सनल कोच, और साथ में क्या मिलता है आपको, स्टडी प्लानर। इसकी PDF आपको कहां पर मिलेगी, लिंक ट्री लिंक आ रहा है यहां पर, ठीक है। तो इस लिंक को फॉलो करके आप PDF कोई भी ले सकते हैं, सेशन के लिंक्स भी वहां से ले सकते हैं, वहां प्रॉपर प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब हम मिलेंगे शाम को 6 बजे विद आवर अनदर सेशन ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। तब तक के लिए एवरीवन टेक केयर एंड बाय बाय।